गाइज वेलकम बैक, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त आ गया हूँ टिकटॉक पे धमाल मचाए हुए एक और वीडियो के ट्यूटोरियल को लेकर। दोस्तों टिकटॉक पे एक मैजिक वाला वीडियो इस समय काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है, जिसमें दोस्तों एक बंदा इस तरह से अपने सर को काट रहा है और दोबारा यहाँ से जोड़ रहा है। दोस्तों इस तरह का वीडियो आपने भी टिकटॉक पे ज़रूर देखा होगा, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इस तरह का वीडियो बनाकर दिखाने वाला हूँ। भाई देखना ना कैसा लगा। अबे ये पुराना हो गया, कुछ नया करके दिखा। हाँ दोस्तों, जो वीडियो आपने भी स्क्रीन पर देखा है गाइज, ये वीडियो इस समय टिकटॉक पे काफ़ी वायरल हो रहा है और आप में से बहुत सारे भाइयों ने इस वीडियो की मांग की थी। मैं आपका दोस्त आ गया हूँ इस वीडियो के सबसे आसान ट्यूटोरियल को लेकर। तो यार एक लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस मैजिकल वीडियो को बनाना सीख सकें। और नए मेहमान चैनल पर पहली बार आए हैं, आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह के वीडियोज हम आप तक पहुंचा सकें। दोस्तों आते हैं पॉइंट पे। इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको अपना वीडियो कुछ इस तरह का शूट करना पड़ेगा, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको कुछ इस तरह की एक्टिंग करना है गाइज। अगर आपके पास ब्लैक कलर का पर्दा है बैकग्राउंड में, अगर आप टांगते हैं तो आपका वीडियो और भी अट्रैक्टिव लगने वाला है। तो दोस्तों इस तरह से आपको वीडियो शूट करना है। अब आपके फ़ोन में एक एप्लीकेशन होना चाहिए जिसका नाम है काइनमास्टर, और दोस्तों साउंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस देरी नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं काइनमास्टर में, वीडियो शुरू करते हैं। तो काइनमास्टर ओपन करने के बाद प्लस आइकन पे क्लिक करके 9 और 16 का आपको एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट करना है। गाइस वीडियो की एडिटिंग बहुत ही डिफरेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको मीडिया ब्राउजर में जाना है। आपको सबसे पहले अपने उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है जो वीडियो आपने नॉर्मल कैमरे से शूट किया था, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपके वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है, फालतू पार्ट है, तो दोस्तों वीडियो को आपको उतना कटिंग करके निकाल देना है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं अपने वीडियो को दोस्तों यहीं से रखना चाहता हूँ, तो कैंची पे जाएंगे, ट्रिम टू लैपटॉप प्ले हेड करके काट देंगे, उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। अब दोस्तों जहाँ पे आप अपने हेड को चेंज करना चाहते हैं, हेड को काटना चाहते हैं दोस्तों, उसी पोजीशन पे आपको वीडियो को स्लाइड करके इस तरह से लेके जाना है। इसी पोजीशन पे आपको अपने वीडियो को सेलेक्ट करना है, कैंची पे जाना है, स्प्लिट प्ले हेड करके काट देना है। उसके बाद दोस्तों इसी पोजीशन पे आपको डिलीट के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन का ऑप्शन, इन पे क्लिक करके कैप्चर फ्रेम एंड एड एज ए लेयर करके एक स्क्रीन शॉट आपको ले लेना है, जिससे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्क्रीन शॉट आपके लेयर में ऐड हो जाएगा। अब इस स्क्रीनशॉट को दोस्तों आपको कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के लिए गाइस जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको जाना है क्रॉपिंग में, और यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बैकग्राउंड को लेना है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से साइड में आप एडजस्ट करके यहाँ से बैकग्राउंड को ले सकते हैं। उसके बाद यहीं से आपको मास्क को ऑन कर देना है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। मास्क को ऑन करने के बाद दोस्तों इसको थोड़ा सा आप इस तरह से छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे, राउंड शेप में आपका बन जाएगा। इसको आपको इस तरह से थोड़ा जूम करना है और अपने फेस के ऊपर लाके दोस्तों इस तरह से आपको जूम करके इसको यहाँ पे आपको सेट कर देना, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से स्क्रीन को छोटा कर देंगे। गाइज इस फोटो को आपको उतना ही रखना है जब आप दोबारा अपने सर को दोस्तों लाके जोड़ देते हैं, जैसा कि गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं। हमको सिर्फ और सिर्फ इतना ही रखना है, तो यहीं से कैंची पे जाएंगे, राइट ऑफ प्लेट करके काट देंगे, उसके बाद यहां से ओके करेंगे। अब दोस्तों जो स्क्रीन शॉट आपने यहां पे पहले लिया था गाइज, ये स्क्रीन शॉट आपके गैलरी में भी सेव हो गया है, तो यहां से टैब चेंज करके हम जाएंगे बैकग्राउंड इरेजर में। दोस्तों बैकग्राउंड इरेजर भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। फोटो पे क्लिक करेंगे और यहां पे आपको उसी फोटो को सेलेक्ट कर लेना है जो फोटो आपने भी स्क्रीन शॉट में लेयर में ऐड किया था। अब गाइज यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सर को छोड़ के बाकी का एरिया दोस्तों यहाँ से डन करने के बाद यहाँ से गाइज आपको धीरे धीरे इसको कटिंग कर लेना, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ दोस्तों अपने सर को छोड़ना है, इस तरह से यहाँ पे आपको अच्छे से अपनी फोटो को कटिंग कर लेना है। फोटो के बैकग्राउंड को कटिंग कर लिया है, सिर्फ और सिर्फ हमारा सर बाकी है। यहाँ से आपको डन पे क्लिक करना है, सेव पे क्लिक करना है, और लास्ट में फिनिश पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों ये फोटो आपके गैलरी में जाके सेव हो गया है। यहाँ से टैब चेंज करके आपको फिर से चलना है काइनमास्टर में, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब गाइज इसी पोजीशन पे आपको उस फोटो को ऐड करना है। फोटो को ऐड करने के लिए दोस्तों आपको वीडियो को स्लाइड करके उस पोजीशन पर लेके आएंगे जहाँ से दोस्तों आप हाथ से अपने सर को बाहर लेके जाना चाहते हैं।
उसी पोजीशन पे यहाँ पे आपको ओके करना है। यहीं पे दोस्तों आपको उस फोटो को पहले ऐड करना है। तो यहाँ से लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाने के बाद आपको उस फोटो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं। फोटो को थोड़ा सा दोस्तों इस तरह से आगे करके इस वाले लाइन के ऊपर चढ़ा देंगे ताकि आपको एडिटिंग करने में आसानी हो। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहीं पे आपको सर के ऊपर अच्छे से दोस्तों यहाँ पे इसको आपको सेट कर देना है। उसके बाद गाइज यहाँ पे इस वीडियो के स्टार्टिंग पोजिशन तक यहीं तक आपको फोटो को रखना है। कैंची पे जाएंगे, ट्रिम टू लैपटॉप प्ले हट करके काट देंगे। तो गाइज यहाँ पे आपका सर दोस्तों सेट हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब गाइज इस फोटो को आपको दो बार ऐड करना है, तो पहले ही यहीं से डिलीट के नीचे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, जिससे गाइज ये दो बार यहाँ पे ऐड हो जाए। एक फोटो को आपको इस तरह से स्लाइड करके थोड़ा आगे कर देना है, इसका हमें बाद में काम लगने वाला है। उसके बाद गाइज इस फोटो को हम ले लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। फोटो को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फोटो को अच्छे से ही यहाँ पे दोस्तों आपको अच्छे से मैच कर लेना है। अब दोस्तों जहाँ पे आप हाथ को लगाते हैं उसी पोजिशन पे आपको डिलीट के ऊपर चाबी पे क्लिक करना है, और जहाँ तक आप हाथ को घुमाते हैं जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पोजिशन पे आपको प्लस पे डॉट देना है। इस मुंडी को दोस्तों, इस सर को आपको इस तरह से ऊपर लाते हुए इस साइड में छुपा देना है। दोस्तों यहाँ पे आपका वीडियो कुछ इस तरह से तैयार होगा। जैसे आप हाथ को यहाँ से घुमाएंगे ऐसा लगेगा आपने हाथ से अपने सर को उठा दिया है। अब दोस्तों इस फोटो को आपको इस तरह से स्लाइड करके उस पोजीशन पर लेके आ जाना है, जहाँ पे आप अपने सर को जोड़ देते हैं उस पोजीशन पर वीडियो को स्लाइड करके लेके जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा हाथ यहाँ पे आ चुका है। तो इस फोटो को दोस्तों आपको यहीं तक रखना है। कैंची पे जाएंगे, ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड करके काट देंगे, उसके बाद यहीं से ओके कर देंगे। फोटो को एक बार फिर से सेलेक्ट करना है, स्टार्टिंग पोजीशन पर आएंगे, इस फोटो को आपको इस साइड में लाके इस तरह से दोस्तों आपको छुपा देना है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ से दोस्तों डिलीट के ऊपर आपको चाबी पे क्लिक करना है, और जैसे आपका हाथ आता है आपके सर के पास, यानी आप अपने सर को जोड़ना चाहते हैं, उसी पोजिशन पर आपको प्लस पे डॉट देना है, और इस सर को दोस्तों ला के इस तरह से आपको यहाँ पे अच्छे से मैच कर लेना है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपका वीडियो कुछ इस तरह का बन जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस तरह से आपका सर यहाँ से कट जाएगा, दोबारा आप ज्वाइंट कर सकते हैं। तो गाइज इस तरह से आप अपने वीडियो को कम्प्लीट कर सकते हैं। वीडियो को सेव और शेयर करने के लिए आपको शेयर बटन पर क्लिक करना है। 720 और 30 रखने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देंगे।